सर एक लुक ऐसा देते हुए खाली जैन सर आप भी सर ना करते भी बड़े ना ग्रुप पिक्चर करा रहे हां पिक्चर फिलहाल ग्रुप पिक्चर हां दोनों सर सेंटर लुक सर सेंटर लुक मैं राजा जो जो हां एक एक जो आ जा मेरे लग जो गेट नहीं सर फोटो थोड़ा फ्लैश के नीचे देना फोटो फोटो चलिए हमारे पहला रेस्टोरेंट मुंबई में जिसके साथ में एक शॉपिंग एरिया भी वेल आई थिंक अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाइक शॉप एंड डाइन एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है. हालांकि ऐसे रेस्टोरेंट्स और शॉप गोवा में मैंने बहुत देखे हैं गोवा में देखे और बॉम्बे में ये पहली बार है. तो डेफिनेटली लाइक औरतें खर्च करेंगी और आदमी लोग पिएंगे. लाइक व्हेन यू गेट ड्रंक यू डोंट नो व्हेन यू स्वाइप योर कार्ड. ऑब्वियसली मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड सोनल ने खोला है ये. मैं उसको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ. एंड कैफे हॉलीडे मेरा एक दूसरा तरीका मेरा इट्स लाइक माय नेक्स्ट होम. मेरी सारी मीटिंग्स मेरे साथ थिंग यहीं पे होता है. तो ऑब्वियसली आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. वेल आई जस्ट स्टार्टेड आई जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ माय हाउस. आज बहुत मेरे लिए हैवी डे था बिकॉज वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड पास्ड अवे. बट सिंस लाइफ हैज टू गो ऑन एंड अभी इसके बाद एक और मेरे को इवेंट पे जाना है. तो बिकॉज सोनल को मैं कभी मना नहीं कर सकता बिकॉज ये जो आप मेरा स्किन का चमत्कार देख रहे हैं सोनल का मैजिक है. बिकॉज सोनल एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं. सोनल मेरे को हमेशा इतना ट्रीट करती हैं उनके मैं विला द स्किल पे जाता हूँ मेरे को इतनी अच्छी सर्विसेज देती हैं. शी लाइक अ सिस्टर टू मी. आई एम हियर फॉर हर. आई जेन्युइनली लव हर. आई वॉन्ट हर टू डू वेरी वेल इन हर लाइफ. And this is just a small baby she's opened. And I want everybody to come and check her breathtaking collection. Collection kaisi lagi aapko? Bahut achhi lagi. Like I'm very blunt person. Kuch pieces mere ko bahut achhe lage. Main bahut blunt hu kyunki Sonal ne mere pe koi filter nahi hai. Kuch maine kaha Sonal I think so these are not perfect. The best part Sonal ka ye ki wo apne critics ko leti hain aur unko amal karti hain because hum log industry mein almost 25 years hain. But I think few of the pieces are very 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 glamorous and very well priced because today investments should be very quick. You know, people are very intelligent in picking up outfit. So obviously her price tags are really very good, very economical. आपके डिजाइन की बात की तो बैलेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच. ये हमेशा मेरी एक पर्सनैलिटी है. मैं फैशनिस्ता हूँ हिंदुस्तान का. तो डेफिनेटली क्लोथ्स इज समथिंग विच रियली सिंस माई चाइल्डहुड आई हैड ऑलवेज लाइकिंग टुवर्ड्स क्लोथ्स. सो मीडिया को पसंद आता है. आज तक मैं कपड़ों के मामले में ट्रोल कभी नहीं हुआ हूँ. बड़ी बड़ी हीरोइन हो गई है मैं नहीं ट्रोल हुआ हूँ. बट आई थिंक सो ये लव है लोगों का जनता का एंड मेरे फैंस का जो मेरे को हमेशा दे वॉन्ट टू सी मी डिफरेंट एवरी टाइम. थैंक यू थैंक यू. क्या कहेंगे भारत सबसे पहले एक ऐसी जगह जिसके साथ में शॉपिंग का भी आपको अनुभव हो जाता साथ में फर्स्ट टाइम इन दैट. I think this is the first time I'm seeing where, you know, I can shop and I can eat my stuff out and it's a very great thing. Because usually क्या होता है जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वी कीप ऑन स्पेंडिंग टाइम सिर्फ
शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, खासकर जब मदर्स के साथ जाते हो, सिस्टर के साथ जाते हो, वाइफ के साथ जाते हो, तो मोस्टली यही होता है दैट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर इनटू शॉपिंग एंड मोस्टली मेंस का ऐसा दे आर सिटिंग इन बोर्ड एंड लुकिंग अराउंड, हैव नथिंग टू डू इट, बट इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट वेयर दे हैव कम अंडर वन रूफ वेयर दे हैव दिस गुड फूड एंड गुड कलेक्शन वेयर ऑल द आईज आर ऑन द फूड एंड द क्लोथ्स. आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट नाइट एंड इट्स कहते हैं रात जवां है, तो वैसे ही जैसे कपड़े इतने अच्छे हैं, ऑब्वियसली बात है लोग अच्छे हैं, आप सब अच्छे हैं और कलेक्शन बहुत अच्छा है. नो डाउट सोनल इज डूइंग वेरी वेल एंड शी इज डन वेरी वेल. इन फैक्ट आई लाइक टू थ्री ऑप्शंस एंड डेफिनेटली गोइंग टू लुक मोर अभी तो बिकॉज लाइक आई थिंक शी इज डिस्प्लेड अ लॉट ऑफ स्टफ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लुक मोर. I've been to this place earlier, but it was something different. But now, when I entered, it was like, wow, they have done something really good and fantastic. The ambience is nice, the interior is good, and really cool stuff. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Uh-huh. See, ऐसे मौके पे क्या बोलूँ इस बारे में, बट आई नो आदित्य, आई हैव नोन आदित्य, लाइक वी हैवन वर्क टुगेदर, बट इट वॉज रियली सैड टू नो अबाउट दिस कि ऐसा हादसा हुआ. येस्टरडे आई वॉज विद रोहित एंड वी गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग. बट अब देखो जो लिखा है वो होना, यू कॉन्ट चेंज द फैक्ट, बट इट्स अ रियली सैड फॉर द इंडस्ट्री दैट द इंडस्ट्री हैज़ लॉस्ट वन स्टार कास्टिंग डायरेक्टर एंड artist, and definitely I'm really feeling bad for the family, especially for his mother. I really pray to the God that wherever he is, he's rest in peace. That's all I can say in that. ये शॉपिंग के एक्सपीरियंस के बारे में मैं कहूँगी कि मेरे लिए पहली बार है और बॉम्बे में मैंने ऐसे तो नहीं देखा है इतना रौनकदार जगह और वहाँ पे शॉपिंग भी और इतने अच्छे खाने के एक दावत हो रहा है. मैं भरत को कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी. हॉलीडे कैफ़े जैसे नए नए जगहें आएंगे तो हमें मायामी जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी. आई लव इट. आई थिंक बॉम्बे इज़ बिकमिंग एनीथिंग लाइक पेरिस, टोक्यो एंड इट्स प्लेसेस लाइक दिस दैट मेक अस फील प्राउड ऑफ बॉम्बे एंड प्राउड ऑफ इंडिया. हॉलीडे कैफ़े की एम्बियंस बहुत ही यूनिक है और एक खुला सा फीलिंग है. हम लोग सब फ्लैट्स में अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो ऐसे जगहों में ऐसे लगता है कि कंफर्ट भी है एयर कंडीशनिंग की, मगर बाहर भी अंदर देयर इज ग्रीनरी, रौनक है और एक ओपन सा अल्फ्रेस्को सा फीलिंग है. कैफे हॉलीडे ambient superb, food superb, and guest list superb, mast maza dhamal first class. Thank you very much. Aapko sir ambient se sir ambient superb, ambience ekdum mast hai, food usse bhi mast hai, log usse bhi mast hai, and service is warm and with a smile. Keep it up holiday. मैं तो खाना खाने आता भाई. नया कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? किसके बारे में? ये कॉन्सेप्ट जो अंदर जो नया कॉन्सेप्ट द न्यू कॉन्सेप्ट. हाँ वही अच्छी बात है, एक ही रूफ के नीचे आपको खाते खाते आप तैयार भी हो जाओ, तो नाइस कॉन्सेप्ट, कीप इट अप. वेल कैफे हॉलीडे इज ऑलवेज माई फेवरेट, चाहे वो पाली हिल में हो, चाहे वो वर्सोवा में हो, कहीं भी हो. मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, उनका ये कॉन्सेप्ट उनकी टीम के साथ उन्होंने बनाया है और जो कि मैं फूडी हूँ इस वजह से मुझे यहाँ आके स्टार्टर्स खाने में बहुत मज़ा आता है. मतलब चाहे वो प्रॉन्स हो अलग अलग किस्म के या तो फिर अनियन रिंग्स हों, वैसे रिंग्स तो उंगलियों में पहनी जाती है लेकिन ये खासुल खास जो रिंग्स हैं अनियन रिंग्स वो सिर्फ खाई जाती हैं और फिर रात को सपने में भी आती हैं.
वो बहुत ही लजीज तरीन जगह है, एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, अच्छे लोग आते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, एक महफिल सी जम जाती है। और फिर एक ही जगह पे आकर सिर्फ आप खाने के लिए ही सिर्फ पैसे नहीं खर्च करते, कुछ चीज़ें ख़रीदते भी हैं, उसके लिए भी पैसे खर्च होते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा लेके आइए जेब में जब भी आप यहाँ पर, और मज़ा लीजिए। वेरी डिलीशियस प्लेस, वेरी एंगेजिंग प्लेस एंड अ वेरी लवली प्लेस। आई विश द बेस्ट टू कैफे ऑल। क्या ये उसका पैसा लगेगा? हो गया, तेरी आत्मा को शांति मिल गई क्या? गायब हो गया वो, कहाँ गया वो, क्या कर रहा है तू? कांग्रेचुलेशंस कैफे हॉलीडे। हमारे जो खास फ्रेंड है प्रताप जी, प्रताप सरनायक, तो वो हमेशा हमको याद करते हैं और हमने हमेशा आते हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। आज उनका जीएम के साथ टाइप है, जो भी है, जो इवेंट रखा गया है, तो सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड मुबारक। ऑल द बेस्ट। एक फोटो लो मेरा सर के साथ, ये लो, ये अच्छा फोटो लेना। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है और इतना एक्साइटिंग है कि आप जहाँ पे खाना खाने हो वहाँ पे देर रात तक आप शॉपिंग भी कर सकते हो, वो थॉट में कितना एक्साइटिंग है। एंड द प्लेस इज लवली, यहाँ पे ओपन एयर है, एसी है, सो इट्स अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस। आई फील लाइक आई हैव लैंडेड इन ग्रीस और समथिंग, यू नो, इट्स गॉट दिस ब्लू एंड वाइट थीम विद पिंक फ्लावर्स, सो इट्स वेरी प्रिटी, रियली नाइस। फूड इज अमेजिंग। आई एम श्योर अब आप पूछोगे खाने के बारे में, मैं पहले ही बता देती हूँ, खाना बहुत ज़्यादा अच्छा। थैंक यू। Talk about it. I am Bharat Kukreja and she is Sonal Vankade. We both run this restaurant together. And the party is with big names. We have a lot of celebrity in the party. And basically you see everybody enjoying, eating, drinking, chilling and happy. That's what our motto is, to make everybody happy. किस तरह का रेस्टोरेंट है अपने आप में अलग है ये? हमारा फूड जो है फ्यूजन फूड है, वी आर सर्विंग एवरीथिंग, वट एवर वन वॉन्ट्स टू ईट, देर इज़ नो नो कि भाई आपको ये खाना है तो वो, आपको ये खाना तो वो मिल जाए, सो देर इज़ नो नो, इट्स फ्यूजन, मेकिंग अगेन यू स्माइल एंड हैप्पी। ये पहली बार बॉम्बे में ऐसे हो रहा है, शॉप एंड डाइन एक्सपीरियंस।
आप यहाँ पे डिनर पे आओगे. आई हैव ओपन अ ब्यूटीफुल स्टोर विद सम अमेजिंग कलेक्शन. स्पेशली जब ट्रैवल करते हैं ज्वेलरी के लिए प्रॉब्लम होता है, वी कैन नॉट टेक द रियल ज्वेलरी. आई हैव सम इंटरनेशनल ज्वेलरी ओवर हियर. द पीसेस आर अल्टीमेट. जब तक ये रेस्टोरेंट चलेगा तब तक मेरा स्टोर भी ओपन रहेगा. सो दिस इज़ द वन ऑफ अ काइंड फर्स्ट आउटलेट इन बॉम्बे शॉप एंड डाइन एक्सपीरियंस कैफे हॉलीडे बैंड. गोवा का कॉन्सेप्ट है जो मुंबई में चल रहा है, आप क्या कहना चाहिए? नहीं, हमने कॉपी नहीं किया है, ओरिजिनल आइडिया है. बट गोवा भी हमारा ही है, मुंबई भी हमारा ही है. इस वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू Not to compete with anybody, but we have our own gestures and everything. Well, जो गोवा के कपड़े हैं वो सिर्फ हम गोवा में पहन सकते हैं, हम बॉम्बे में आके उसको नहीं यूज़ कर सकते. बट दिस इज़ लाइक कुछ वाटर माल फंक्शन है, लास्ट मिनट शॉपिंग है. 12-1 बजे तक शॉप खुला है, आप आके शॉपिंग कर सकते हैं. वेडिंग आउटफिट्स, कैजुअल, पार्टी वेयर. कभी किसी ने यहाँ पे पार्टी रखी है, यू वांट टू गिफ्ट समथिंग टू द पार्टी पर्सन, जस्ट गेट देम इन द स्टोर. एंड हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, दे आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट. हस्बैंड्स डोंट कम फॉर शॉपिंग, सो श्योरली यू कैन डाइन इन हियर एंड गेट योर हस्बैंड्स टू शॉप फॉर यू. एंड ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई इट्स समथिंग एक्सक्लूसिव. सर, ये सबसे कौन से एरिया माना जाता है बाली में जो है, क्या इससे क्या उम्मीद है? इस हर एरिया अच्छा है, हर कस्टमर अच्छा है. कस्टमर्स आर लाइक गॉड फॉर अस. हाँ, पाली हिल थोड़ा एक्सपेंसिव पॉश एरिया है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, सब जगह के लोग अच्छे हैं. तो वी आर गुड एंड एवरीबडी इज गुड टू अस. सो एवरीबडी इज गुड टू अस एंड वी आर गुड टू देम. सो सभी मेहमान हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा. I'm happy with everybody. और कुछ कहना चाहेंगे? सोनल जी, how different it is from other restaurants? The ambience is superb. Okay. Superb ambience, like, you know, if we compare to other restaurants. What do you say about it? एम्बियंस वाइज वी हैव क्रिएटेड दैट ग्रीक एम्बियंस. जो आप दिन में भी आओगे आपको फील करेगा. इट्स द नेम कॉल्ड कैफे हॉलीडे. इट्स बेसिकली हम जब हॉलीडे पर जाते हैं हमें फ्यूजन फूड चाहिए जो हम रेगुलरली नहीं खाते हैं. हमें वैसा एटमोसफियर चाहिए, वैसा सर्विस चाहिए. एवरीथिंग इज़ अंडर वन रूफ, दैट्स वाई वी कॉल इट कैफे हॉलीडे. एंड आर संडे ब्रंचेज आर समथिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर. लाइव म्यूजिक, आला पार्ट मेन्यू इज ऑल्सो देयर एंड वी हैव अ स्पेशल मेन्यू फॉर संडे ब्रंचेज. हमारा रेस्टोरेंट पार्टी हाइट है फिलहाल. वी आर गोइंग विद अ लॉट ऑफ पार्टी बुकिंग्स एंड अ लॉट ऑफ पार्टीज हैपनिंग हियर बिकॉज पीपल आर लविंग द डीजे, द साउंड, द म्यूजिक, द फूड, द एम्बियंस, एवरीथिंग. वी स्टार्टेड विद ग्रिल इन दिस रेस्टोरेंट and the food and cuisine, we are getting the maximum feedback that people are loving it. And it's my brother Mr. Bharat who is doing the most hard work for the cuisine oriented platform. And of course we are exploring some more food in the coming time. Our fusion baos are very famous right now, something very different, like a chili chicken fusion bao, very rare to find. तो यू कैन गो टू अ जापनीज रेस्टोरेंट, यू कैन हैव जस्ट जापनीज, लेकिन ये पूरा वर्ल्ड कुजीन जैसा है, जैसे हॉलीडे फूड होता है. सो दिस इज कैफे हॉलीडे. भरत भाई, हर किसी ने एम्बियंस के बारे में बात की आज रात को, जितने भी सेलिब्रिटीज आए सबने कहा कि ऐसा एम्बियंस हमने देखा नहीं. कि जैसे एंटर किया तो ऐसा लगता है कि आप कहाँ हो गए द वर्ल्ड. क्या कहेंगे आप? इतना स्पेशियस कुछ नहीं, बस अच्छा बनाया है. एंड इट इज आवर हार्ड वर्क एंड वी विल टेक ऑल द क्रेडिट फॉर इट. कैसे आइडिया है आपके दिमाग में ये चीज का, ये जो आइडिया है कि ऐसे करना चाहिए? इसमें आइडिया क्या है? देखा इधर उधर देखा और बना दिया. इसमें आगे कहां तक वर्ल्ड करने वाले चीजें? या वी हैव वन कमिंग एट द मीरा बहेंदर, वी लुकिंग एट साउथ बॉम्बे, वी आल्सो लुकिंग टू एक्सपेंड मे बी आउट ऑफ बॉम्बे टिल लंदन. या लेट्स सी वेयर वी गो, होपफुली प्लेसेस. फॉरवर्ड टू एक्सपेंड दिस ब्रांड टिल इंटरनेशनल लेवल्स. एंड यहां पे कोई चीज के लिए मना नहीं है, बच्चे भी वेलकम है, बूढ़े भी वेलकम है. We have space for every age group and whatever is, it's like a personal experience when you're dining with us. Bas aap log bade acche hain and keep it up. Thank you very much. Keep supporting.